आप सबको तो पता है ऐसा कोई बैंक जो सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड विदाउट इनकम प्रूफ देता है वो बैंक है एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, अगर आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक सबसे फास्ट अप्रूवल देता है, जी हाँ सबसे फास्ट अप्रूवल भी देता है एचडीएफसी बैंक। अभी एचडीएफसी बैंक और एक मौका भी दे रहा है ओल्ड यूजर को नया क्रेडिट कार्ड, और जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उनके लिए तो मौका ही मौका विदाउट इनकम प्रूफ क्रेडिट कार्ड दे रहा है। जैसे देखिए मुझे टेलीग्राम पे भेजा है भाई ने कि सर मुझे मिल गया क्रेडिट कार्ड विदाउट इनकम प्रूफ। साथ ही साथ और एक भाई ने देखिए टेलीग्राम पे भेजा है सर मेरे पास कार्ड था मुझे और एक न्यू क्रेडिट कार्ड मिल गया, जी हाँ सेकेंड वाला कार्ड। और एक भाई ने भी मिला है उनको रुपे क्रेडिट कार्ड मिल गया है। कहने का मतलब बहुत सारी भाई को जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है एचडीएफसी बैंक का उनको तो मिल रहा है विदाउट इनकम प्रूफ, और जिनके पास एक क्रेडिट कार्ड है बैंक आगे से उनको दो क्रेडिट कार्ड और प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपको भी देखना है कि आपको मिल रहा है कि नहीं विदाउट इनकम प्रूफ, तो एक लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके अप्लाई कीजिए। आपका सिविल के बेस में शो हो जाएगा कितने क्रेडिट कार्ड बैंक आगे से आपको दे रहा है विदाउट इनकम प्रूफ, वो भी एचडीएफसी बैंक का। सारे क्रेडिट कार्ड आपके पास आ जाएगा, उसके बाद जो क्रेडिट कार्ड लेना है उसको आप सिर्फ अप्लाई कीजिए आपको मिल जाएगा। हाय मैं अरिंदम, मेरा वीडियो में आपको स्वागत है। साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया ये सारे प्रूफ मुझे कहाँ पे मिला, टेलीग्राम पे मिला। जी हाँ टेलीग्राम आपके लिए है, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आज ही ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इसी टेलीग्राम पे आपको इस तरह प्रूफ भी इस तरह इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलता है कि एक क्रेडिट कार्ड अभी आसानी से मिल रहा है, इस क्रेडिट कार्ड में ये बेनिफिट आया है, सारे कुछ आपको मैं इसी टेलीग्राम पे देता हूँ। तो चलिए कहा क्या करना है, अभी और एक मौका दे रहा है। देखिए मेरे पास एचडीएफसी बैंक का तीनों क्रेडिट कार्ड है, मेरा फैमिली मेंबर के नाम पे है, मेरे नाम पे है, इस तरह से तीनों क्रेडिट कार्ड है। उसमें दो क्रेडिट कार्ड में मुझे अपग्रेड का ऑफर मिला है, एक में नहीं मिला क्योंकि वो मेरे नाम पे है रिगालिया क्रेडिट कार्ड, उसमें ऑलरेडी हायर वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है इसीलिए उसमें नहीं मिला। बट जो आदर्श क्रेडिट कार्ड है उसमें मुझे अपग्रेड का ऑफर मिला है। अगर आपको अपग्रेड का ऑफर नहीं मिला है तो एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को आप यूज करके देखिए आपको भी मिल सकता है। तो चलिए क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। एचडीएफसी बैंक का नेट बैंकिंग तो है, उसमें उस पोर्टल में जस्ट आपको लॉगिन करना है। करने के बाद कार्ड वाला सेक्शन पे जाना है, रिक्वेस्ट वाला सेक्शन पे जाइए, क्रेडिट कार्ड अपग्रेड इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे जो कार्ड है उसको आपको सिलेक्ट करना है, जो भी कार्ड आपके पास है। उसके बाद आप देखेंगे कौन सा क्रेडिट कार्ड के अपग्रेड के लिए आपके पास ऑफर आया है, नहीं तो यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग पे देखिए यहाँ पे ऑफर वाला एक सेक्शन है उस पर क्लिक कीजिए, उसमें आपको ढेर सारे ऑफर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे जो एक क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड, सॉरी मनी बैक क्रेडिट कार्ड था वो लाइफ टाइम फ्री वाला था, उसका अपग्रेड आया है। इसमें देखिए अपग्रेड नाउ बोल के एक ऑप्शन आया है, इसमें क्लिक करना है, नहीं तो आपके पास मेल आएगा, नहीं तो आपके पास SMS आएगा। अभी HDFC बैंक बहुत सारे यूजर को दे रहा है अपग्रेड का मौका दे रहा है, तो आपको चेक करना है। जैसे मैंने उस लिंक पे क्लिक किया, उसके बाद पहले देखिए ये जो क्रेडिट कार्ड मनी बैक क्रेडिट कार्ड था वो अपग्रेड होकर क्या शो हो रहा है, मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड में अपग्रेड हो रहा है। तो इसके लिए क्या इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, क्या चार्जेस है आगे देखिए। उसके बाद यहाँ पे डिटेल बताया गया है एनुअल फी जीरो चार्जेस पर, फर्स्ट ईयर के लिए कोई चार्जेस नहीं है, सेकेंड ईयर के लिए ₹500 चार्ज लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे पॉइंट, जो भी पॉइंट पहला वाला क्रेडिट कार्ड में है सारी पॉइंट इसमें आ जाएगा, ठीक है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं कि आपका वो लैप्स हो जाएगा, ऐसा नहीं, सारे पॉइंट इसमें क्रेडिट हो जाएगा। उसमें कार्ड का बेनिफिट क्या है वो भी यहाँ पे बताया गया है, मनी बैक एग्जिस्टिंग कार्ड में 25 पैसा आपको एक पॉइंट के लिए मिलता, सॉरी एक पॉइंट का वैल्यू था 25 पैसा, यहाँ पे भी मनी बैक प्लस में भी सेम है। उसमें फ्लाइट होटल बुकिंग रिडेम्पशन में 25 पैसा आपको मिलता है, 20 पैसा मिलता है, मनी बैक प्लस में 25 मिलेगा। इंटरनेशनल लॉन्ज एक्सेस नहीं है इसमें, कैश रिडेम्पशन जो देखिए 20 पैसा और मनी बैक प्लस में 25 पैसा, डोमेस्टिक लॉन्ज एक्सेस दोनों कार्ड में नहीं है। रिवार्ड पॉइंट ₹150 स्पेंड करने के लिए 2 रिवार्ड पॉइंट मिलता है मनी बैक में, और मनी बैक प्लस में अप टू 10x कैशबैक पॉइंट मिलता है, तो ये डिफरेंस है। उसके बाद जैसे ही आपको लेना है जस्ट आई एग्री स्टार्ट, आपको विद इन सेवन वर्किंग डेज में आपको नया वाला कार्ड मिल जाएगा। मैंने इसको एक्टिवेट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए पहले वाला क्रेडिट कार्ड जो है मेरा लाइफ टाइम फ्री है, साथ ही साथ सेकेंड कार्ड तो मैं उस लिंक से ही मुझे मिल गया रुपए वाला कार्ड, तो ये कार्ड लेके अपग्रेड करके क्या फायदा, क्योंकि ये तो लाइफ टाइम नहीं है,
साथ में इतना बढ़िया ऑफर भी नहीं दे रहा है। तो आप चेक कीजिए आपको कौन सा ऑफर मिला है। अगर मान लीजिए आपको कोई ऑफर नहीं आ रहा है, एक साल दो साल आपने यूज कर दिया फिर भी आपका अपग्रेड का ऑफर नहीं आ रहा है, तो आपको एक ट्रिक देता हूँ। आपके पास दूसरा कोई बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसका अगर आपका जो है मतलब आपका क्रेडिट लिमिट अगर ज्यादा है तो स्टेटमेंट लेके आपको कस्टमर केयर को मेल करना है या ट्विटर पे जाके ट्वीट करना है कि मेरा इस कार्ड में मान लीजिए ICICI बैंक का या कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड का लिमिट मेरा ज्यादा है, इतने दिन तक मैं HDFC बैंक का यूज कर रहा हूँ बट मेरा लिमिट इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट दूसरे बैंक का देखिए लिमिट मेरा इतना ज्यादा है। तो वो देने से भी कभी कभी देखा गया है कि आपका ये लिमिट आपका कार्ड अपग्रेड का ऑप्शन आ जाता है क्योंकि आपको चाहिए उसमें लिमिट ज्यादा है। अभी देखिए HDFC बैंक आपको दो ऑप्शन देगा कि आपका जो प्रीवियस है उसका लिमिट आप इंक्रीज करना चाहते हो या कार्ड को अपग्रेड करना है, तो आपको वहां पे बताना है कि नहीं मुझे कार्ड को अपग्रेड करना है। इस ट्रिक को आप यूज करके देख सकते हो, अगर हो आपको मिल जाए बढ़िया, अगर नहीं मिला तो ट्राई कीजिए इस तरह से डेली चेकिंग चेक कीजिए, बट अभी तो मिल रहा है थोड़ा सा चेक कर लीजिए आपको भी मिला है मुझे लगता है क्योंकि मेरा तो दो में आ गया। तो इस तरह वीडियो अगर आपको रोज देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।